हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है बायोकल्चरल इवोल्यूशन से, प्लेस्टोसीन फ्लूवियल एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन फॉसिल्स फाइंड्स इन अफ्रीका। मतलब प्लेस्टोसीन का फ्लूवियल जो एनवायरमेंट यानी वातावरण है अफ्रीका में पाए गए मानव अवशेष, इसी टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो गाइज, प्लेस्टोसीन फ्लूवियल एनवायरमेंटल क्या है हम देखेंगे। प्लेस्टोसीन हिमयुग मानव की उत्पत्ति और पृथ्वी के इतिहास का सबसे अंतिम और सबसे छोटा हिमयुग माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मध्य नूतन कल्प में पृथ्वी की धरातल हिम के प्रवाह से प्राय मुक्त था, परंतु उसके बाद ही क्रमशः धरातल पर हिम का प्रभाव बढ़ता गया और अंत में वायुग आया, समय आया, पीरियड आया, जिसे हम प्लेस्टोसिन पीरियड यानी प्रातिनूतन काल के नाम से जानते हैं। प्लेस्टोसिन एज के कुछ हम एज बात करें तो 9,90,000 ईयर्स निर्धारित किया गया है एंड इसका जो प्रारंभ काल जो है वो 10,00,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। कुछ विद्वानों की बात करें तो इन लोगों के अनुसार यह जो काल है 17.5 लाख से 20 लाख था और कुछ विद्वानों का कहना है कि ये 40,00,000 से 50,00,000 पूर्व रहा होगा। प्लेस्टोसीन जो एज है इसमें धरातल के अधिकतम भाग में अब देखो कि बर्फ का वातावरण कारण था, जलवायु अधिक ठंडी थी इस टाइम में, तो भागों में अधिकांश झीलें इसी काल में विकसित हुआ था ठंडी वातावरण के कारण, ठंडे जलवायु के कारण। इस टाइम में स्थलीय भाग ऊँचे उठने लगे थे, जलवायु में चेंजेस होने के कारण, हिमानीकरण के कारण पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय होने लगे थे। जितने भी एनिमल्स हैं जैसे हाथी, बैल, घोड़े एंड और भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स थे या जीव थे, मानव के समान वानरों का विकास हुआ इस टाइम में। प्लेस्टोसीन एज में वातावरण अधिक ठंड मौसम की ओर इशारा करते हैं। उस टाइम में क्लाइमेट इतना ठंडा हुआ कि जितने भी पर्वत हैं पर्वतों पर और ऊंची शिखरों पर बर्फ जमना स्टार्ट हो गया। प्लेस्टोसीन एरिया में कितने टाइम्स क्या हुआ कि ग्लेशिएशन हुए एंड कई बार फिर जो स्नोफॉल होने लगा यानी बर्फ है वो पिघलने लगा। इसमें यूरोप के आल्प्स और एशिया की बात करें तो एशिया के हिमालय बर्फ से आच्छादित हुए और गर्म काल में पिघलना फिर स्टार्ट कर दिए। इस प्रकार ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन कई बार हुए। प्लेस्टोसीन पीरियड के यूरोप में कई ग्लेशिएशन हुए, जैसे आप बोल सकते हैं गुंज, मेंडल, रीस और अंतिम जो ग्लेशिएशन है लगभग 70,000 वर्ष पूर्व हुआ। इसे फिर टू पार्ट से डिवाइड किया गया, उर्म वन और उर्म टू। इसे स्टेडियल्स यानी ग्लेशिएशन जो गर्म है इंटरस्टेडियल से ये विभक्त थे एंड लास्ट में ग्लेशिएशन लगभग 10,000 से 11,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया और जो फर्स्ट ग्लेशिएशन यानी गुंज 3,00,000 से 6,00,000 वर्ष पूर्व उसका हुआ था। ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन इन जमाव और कटाव के कारण नदियों के किनारे टेरेसेस निर्माण करते चले गए एंड वन बाय वन बर्फ का जो जमना है और पिघलना समुद्र जल तल को प्रभावित करते रहे। बर्फ जमने से कई द्वीप जुड़ गए एंड ये लैंड, ब्रीज एंड डिफरेंट टाइप्स के जो भी एनिमल्स हैं उनके माइग्रेशन में बहुत हेल्पफुल हुए। प्लेस्टोसीन मैन इसी क्रम में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या हुए, माइग्रेट हो गए यानी वहाँ से माइग्रेशन किए एंड पूरी दुनिया भर के मौसम परिवर्तन को यूरोप और अफ्रीका से जोड़कर देखा गया। जब यूरोप में ग्लेशिएशन पीरियड था तो फिर अफ्रीका में फ्लूवियल पीरियड चल रहा था। हम बात करते हैं 1950 में तो लिकी ने अफ्रीका में फ्लूवियल एज का उल्लेख किया है। लिकी ने यहाँ पाया कि अफ्रीका के फ्लूवियल पीरियड में वहाँ अतिवृष्टि थी जिसके फलस्वरूप वहाँ नमी वातावरण था और जलाशय में जलस्तर काफ़ी ऊपर बढ़ गए थे, ऊपर हो गए थे एंड फ्लूवियल पीरियड के बाद इंटरफ्लूवियल कालक्रम पूर्व और साउथ अफ्रीका में ही था, बाकी अफ्रीका में नहीं था। यानी कि
पूर्वी साइड में आप देखोगे कि वहाँ पे था इंटरप्लूवियल और बाकी अफ्रीका में नहीं था। इस प्रकार अफ्रीका में जब प्लूवियल एंड इंटरप्लूवियल पीरियड था तो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ ग्लेशिएशन एंड इंटरग्लेशिएशन पीरियड था। प्लेस्टोसिन ह्यूमन फॉसिल्स की हम बात करें तो अफ्रीका जो आपका एरिया है तो अफ्रीका एरिया में प्लेस्टोसिन पीरियड में मानव वंश के शारीरिक और अशारीरिक अवशेष इस काल के अस्त्रों में मिलते हैं। अफ्रीका में जो फर्स्ट जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है यानी मानव वंश का जो फॉसिल्स पाया गया है तो सबसे पहले वो द्विपादी मानव वंश से हुए यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फर्स्ट जो फॉसिल्स है उसके रूप में 6 साल के बच्चे का आधा अधूरा जो कपाल है वो 1924 में मिला था फॉसिल्स के तौर पे। एंड इसे प्रोफेसर रेमंड डाट ने साउथ अफ्रीका के विचुआना के जॉन्सबर्ग एक जगह है वहाँ से 400 मील दूर आप जाओगे साउथ वेस्ट पार्ट में टांग नमक चूने के एक खदान में वहाँ से फॉसिल मिला था। एंड इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इसके ग्रुप के कई फॉसिल्स अफ्रीका में कई भागों से पाया गया। जैसे हम बात करते हैं विखंडित अवशेषों के मोटे जो अनुमान है ये आपका जो छेद है टांग मार्कपांस गट्स और स्टड फॉन्टिंग जो हम ट्राई स्वीट क्रंसी इन जगह से पाया गया था। एंड ऊपरी और निचले कपाल की बात करें तो ये सब जिनजैन थ्रोपस होमो हैविलस होमो इरेक्टस नेंडरथल मॉडर्न मैन इन सभी का पाया गया था यहाँ से। तो लिक्की के थ्रू मानी गई न्यूनतम जो सीमा है वो कपाल के पुनर्गठन पर आधारित थे। एंड इस तालिका के अनुसार कुछ अनुमान पूर्ण विकसित है जबकि दूसरे नहीं। हमें एक प्रविधि मालूम हुई है कि जिसके अनुसार हॉमिनिड ब्रेन का दीर्घतर विकास प्लेस्टोसिन पीरियड में हुआ। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो क्रैनियल कैपेसिटी है उसका विस्तार जो 435 से 700 सीसी आकी गई थी। एंड आधुनिक जो गोरिल्ला है उसकी क्रैनियल कैपेसिटी जो उसका जो विस्तार है उसका 420 से 752 सीसी है कि लगभग यह समान हो सकता है अधिकतर कपाल धारिता की प्रविधि का कार्यतम अर्थ उतना ठीक तरह से नहीं समझा जा सकता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि गोरिल्ला और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कितने सिमिलरिटीज थे। तो इस वीडियो के थ्रू हम देखें एशिया अफ्रीका अमेरिका एंड यूरोप में किस तरह का चल रहा था, कहाँ प्लूवियसेशन चल रहा था, कहाँ ग्लेशिएशन पीरियड चल रहा था। और इस वीडियो के थ्रू हमें ये पता चला कि सबसे पहले जो भी फॉसिल्स है वो अफ्रीका से ही मिला है, इसलिए कहा जाता है कि इंसान यानी मानव का उत्पत्ति उद्गम जो स्थल है वो कहाँ है, अफ्रीका।